मेरे पास एक PFC पावर सप्लाई आई है। इसमें एक प्रॉब्लम था, यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये है इसका सॉकेट आउटपुट इस पावर सप्लाई का। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग अगर करते हैं तो यहाँ देखेंगे एक ग्राउंड है, इसके जस्ट बाद ये -5 वोल्ट ये जो है सप्लाई है, फिर ग्राउंड है, फिर 5.1 वोल्ट, फिर उसके बाद 5.1 वोल्ट, ठीक। और यहाँ पर एम्पलीफायर, पी कंट्रोल, PFC, पी कंट्रोल, यानी ये जो पावर कंट्रोल होता है ये सिस्टम से कंट्रोल होता है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो है 14 वोल्ट और 12 वोल्ट, फिर इसके बाद ग्राउंड, फिर पावर BDD, फिर गेट, ठीक है। ये इसका सॉकेट है आउटपुट। अब यहाँ पे जो सप्लाई बननी चाहिए सबसे पहले वो बनना चाहिए ये प्लस, ये हमारा जो है 5 वोल्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ केवल ये -5 वोल्ट बन रहा है, ये सप्लाई नहीं बन रही है, ये भी सप्लाई नहीं बन रही है, यानी 14 वोल्ट और 12 वोल्ट ये भी नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर देखें, हमने इसको कंफर्म करने के लिए एक ट्रांसफार्मर यूज किया है, SMPS, जिसे चोपर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये है मॉड्यूल 5 और 24 वाला मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्राइमरी को हमने जो है यहाँ लास्ट में एक ग्राउंड, और ये जो है इसका, ये दोनों जहाँ से 300 वोल्ट इन होता है और फिर ये जो ड्रेन में जाता है, ठीक है, दोनों हमने जो है यहाँ पे ज्वाइंट किया है इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड ले लिया है ये प्राइमरी का। और फिर सेकेंडरी में देखेंगे, सेकेंडरी में हमने ये नेगेटिव, ये यहाँ से, ठीक है, और पॉजिटिव, ये 5 वोल्ट का और 12 वोल्ट का जो है हमने जो है SMPS निकाला है इस PFC पावर सप्लाई से। ये LG की पावर सप्लाई है और यहाँ से हमने जो है इसे निकाला है। ये इस PFC पावर सप्लाई में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों को यहाँ पे इसे बनाया जाता है, तो हमने जो है इसे यूज कर लिया है ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हमको डाउट इस पे SMPS पे था। तो डाउट को क्लियर करने के लिए एक ऑप्शन निकाला, वो भी देखने के लिए जो कि इसको ऐसा करने से क्लियर होता है कि नहीं। तो हमने जो 5 वोल्ट यहाँ पर देखा तो ये है ओके, बन गया 5 वोल्ट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 12 वोल्ट जो बनता था उस सप्लाई को भी हमने यहाँ पे इस डायोड के द्वारा यहाँ, क्योंकि नीचे से डायोड लगा है, और इसके बाद यहाँ पे एक रेगुलेटर बना हुआ है, ये IC है, और यहाँ पे सप्लाई इन होती है, इसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट आउट होता है। तो ऐसा किए, इसको छोड़ दिए निगेटिव वाला जो -5 वोल्ट है, तो इस कंडीशन में ये सप्लाई वर्क कर गई। तो ये क्लियर हो जाता है कि इसमें एक वाइंडिंग जो -5 वोल्ट का है, ये किनारे वाला, ये ओके है, बाकी इस दोनों में ड्रॉपिंग है वोल्टेज का, क्योंकि इसमें जो स्विचिंग हो रही है, तो ये सेकेंडरी में भी 2 वोल्टेज बने, यहाँ पर VCC आउट हुए हैं जो एक्जिलरी है। एक तो IC के लिए है, अरे सॉरी STR के लिए है, यहाँ पर जो लगा हुआ है IC, और दूसरा यहाँ पे ऑप्टोकॉपलर पे गया है। तो यहाँ पर 2 सप्लाई आउट की गई है ये प्राइमरी में, ये दोनों सप्लाइयाँ अवेलेबल थी, यानी 1 2 और ये 3, 3 सप्लाई ओके थी, 2 सप्लाई ड्रॉप थी। तो हमको इस SMPS सुपर ट्रांसफार्मर पे डाउट था, तो हमने जो है ये मेथड देखा करके कि लॉ कंफर्म करें। तो ये चूंकि कंफर्म हो गया, ये जहाँ तक है 99% ये फॉल्ट है SMPS। चलिए इस आपको इस पर वोल्टेज दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 वोल्ट अप डाउन हो रहा है, इसे हम बाद में रेगुलेट कर लेंगे, अभी तो कंफर्म करने के लिए ऐसा मेथड यूज किया है। और यहाँ पर देखेंगे जो 14 वोल्ट है,
यहाँ भी सप्लाई ये 14 आउट हो रही है। थोड़ा सा बढ़ा के दिखाते हैं, देखिए ठीक है। अब ये फ्लेक्चुएट हो रही है जो वोल्टेज, उससे रेगुलेट करते हैं बाद में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये 12 वोल्ट अभी यहाँ एब्सेंट है। अब ये जब इसका ऑन का कमांड आएगा यहाँ से तो ये आउट होगा। ऐसे ही कई तरीके हैं पावर सप्लाई को रिपेयर करने का, जो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐसे कुछ टिप्स बताएंगे जिससे कन्फर्मेशन ठीक से हो सके। इस PFC पावर सप्लाई में यहाँ पे एक रीज़न और देखने को मिला है हमको। जब हमने इस SMPS ट्रांसफार्मर को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें, जैसे वाटर डैमेज होता है या किसी भी सिचुएशन में मॉइस्चर नीचे होता है, तो यहाँ पे हमने जो है ये सिचुएशन यहाँ पे मिला, तो इससे थोड़ा सा डाउट हुआ। ये जब फॉल्ट हुआ था तो यहाँ पे मेंस फिल्टर और कुछ कंपोनेंट, यहाँ पे STR, ये जो IC लगी थी, ये भी फॉल्ट हुआ है।